हेलो बच्चों, आज के वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एस कैरेक्टर के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एस कैरेक्टर का क्या रिलेशनशिप होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो बेटा, एस कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले देखते हैं कि एस कैरेक्टर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। sp3, sp2 एंड sp। sp3 यानी कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, टोटल 4, एक s एंड 3p। टोटल 4 एस कैरेक्टर निकालना है 1/4 × 100। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है, 1s, 2p, टोटल 3। यहाँ पर 1, टोटल 2। तो यहाँ पर निकालने के लिए 1/3 × 100, 1/2 × 100। तो sp3 में जो एस कैरेक्टर रहता है वो होगा 25%, sp2 में जो रहेगा वो होगा 33%, एंड हेयर इट विल बी 50%। ठीक है, आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एस कैरेक्टर का समझने के लिए एक और एग्जांपल कोट कर देती हूँ, बहुत इजी है। एक मैंने बेंजीन रिंग लिखी, दूसरा मैं लिख देती हूँ CH3, CH2, CH3। ठीक है, एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, प्रोपेन है, सिंपल एंड प्रोपेन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कार्बन है, ईच कार्बन इज हैविंग आपका सिंगल बॉन्ड। जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन में, तो यानी कि ये तीनों जो कार्बन हैं इंडिविजुअली भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और यहाँ पर बेंजीन रिंग में ये जो मैंने अंदर लूप बनाया है इलेक्ट्रॉन का, जो सर्कल है, इसका मतलब है इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी जो अगर आप ईच कार्बन देखोगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब s कैरेक्टर 33% एंड sp3 मतलब s कैरेक्टर 25%। यानी कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बेंजीन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है। अब वहीं पर मैं और मॉलिक्यूल लिखती हूं, एसिटाइलीन। ठीक है, यहां पे कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, तो यहां पर जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है कि इसमें अब एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, 50% है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा रहेगी। अगर आपको यही क्वेश्चन MCQs में आ जाए या 1 mark में आ जाए और इसको 1 लिखा है, A लिखा है, B एंड C, तो आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो आपने कैसे लिखना है, C इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन B एंड लास्टली देर इज A। ये जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। इस तरह के आपको भरपूर क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स में, नीट में, JEE में और इवन बोर्ड एग्जाम्स में।